हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्ट्रेन गेज लोड सेल को स्टडी करेंगे। लोड सेल बेसिकली फोर्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रेन गेज लोड सेल में हम स्टील का होलो सिलेंडर यूज करते हैं। इनसाइड होलो सिलेंडर हमने टू स्ट्रेन गेजेस उसकी सर्कमफ्रेंस के साथ अटैच की होती हैं और टू स्ट्रेन गेजेस हमने वर्टिकल प्रोवाइड की होती है और सभी स्ट्रेन गेजेस को हमने व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट के साथ जोड़ा होता है। ठीक है, सबसे पहले जब हमने लोड को मेजर करना है, हम व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे और सभी स्ट्रेन गेजेस में जो जितनी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी हम उसे इस मीटर में जीरो पर सेट कर देंगे। उसके बाद मान लीजिए हम स्ट्रेन गेज पर कंप्रेसिव लोड अप्लाई कर रहे हैं। जब हम कंप्रेसिव लोड अप्लाई करेंगे जो है वर्टिकल स्ट्रेन गेजेस, जो वर्टिकल स्ट्रेन गेजेस हैं वो कंप्रेस होंगे। यहाँ पर देख लें, अगर हमारे पास ये वर्टिकल स्ट्रेन गेजेस है, ये जब हम कंप्रेसिव लोड अप्लाई करेंगे ये कंप्रेस होगी। इसका मतलब इसकी लेंथ डिक्रीज हो रही है और हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल वाई, लेंथ डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो रही है वर्टिकल स्ट्रेन गेजेस में। और जो हमने स्ट्रेन गेजेस सर्कमफ्रेंस पर प्रोवाइड की हैं उनकी लेंथ वो एलोंगेट होगी, उनकी लेंथ इंक्रीज होगी। लेंथ इंक्रीज होगी तो इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी क्योंकि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, हमें वर्टिकल स्ट्रेन गेजेस और सर्कमफ्रेंस पर जो हमने स्ट्रेन गेजेस प्रोवाइड किए हैं उनमें हमें चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। जो वर्टिकल स्ट्रेन गेजेस और सर्कमफ्रेंस पर जो हमने स्ट्रेन गेजेस पर हमने जो चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, दोनों की चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम नहीं होगी, वो चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें यहाँ मीटर पर शो होगी। वो चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू इनडायरेक्टली हमें लोड बता रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर टेंसाइल लोड लगेगा तो हमारी वर्टिकल स्ट्रेन गेजेस की लेंथ इंक्रीज होगी और उनमें रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, और सर्कमफ्रेंस पर जब हम वर्टिकल टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो क्या होगा, लेंथ डिक्रीज होगी तो इसका मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। वो चेंज इन रेजिस्टेंस दोनों में वर्टिकल और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन गेजेस में इक्वल नहीं होगी चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू, वो हमें यहाँ पर लोड की वैल्यू बताएगी। इसे हमने कैलिब्रेट इसी तरीके से किया होगा, हमें इंडायरेक्टली लोड की वैल्यू मिलेगी। ये थी इसकी बेसिक वर्किंग। थैंक यू।